हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से लोग अभी भी अपने मार्क्स को लेकर परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उनको मार्क्स मिले हैं, पॉइंट सिस्टम क्या है, ग्रेड सिस्टम क्या है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो चलिए हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कोई ऑथेंटिक प्रूफ एकदम 100% वाला कंफर्म वाला नहीं है, बस ये हमारे जो सोर्स हैं उनके ज़रिए मिली है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ बातें शेयर कर दी जाएँ। तो सबसे पहले हम आपको मार्किंग सिस्टम बता देंगे, फिर उसमें आपको ये बता देंगे अगर आप एब्सेंट हो गए किसी पेपर में तो क्या करें, और रिज़ल्ट जो बदलने वाला है वो कब तक बदल जाएगा और बदल के किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें बता देंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे आप सेकेंड ईयर में किस तरह से पहुँच पाएंगे, मेजर माइनर ये सारी चीज़ें, ये जो सब्जेक्ट हैं मेजर के, माइनर के, और इसके साथ साथ मिड टर्म के जो पेपर हुए हैं उसमें किस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं, किसमें कितने नंबर लाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं ग्रेड सिस्टम पे, ग्रेड सिस्टम को आपको समझाते हैं। तो ग्रेड सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जो ग्रेड हैं वो किस तरह से बटे हैं। सबसे पहला ग्रेड है ओ ग्रेड। जो ओ ग्रेड है उसका जो नंबर है वो 91 नंबर से लेके 100 के बीच हैं। इनको कितने नंबर मिलेंगे, 91 से लेके 100 नंबर, और इनका जो पॉइंट होगा वो होगा 10। उसके बाद आता है दूसरा ग्रेड ए प्लस, इसमें आपको मिलेंगे 81 से लेके 90 नंबर तक, और इनका जो पॉइंट है वो है 9। फिर आता है ए ग्रेड। ए ग्रेड जो होता है इसमें आपको मिलते हैं 71 नंबर से लेके 80 नंबर तक, और इसमें जो इनका पॉइंट होगा वो हो जाएगा 8 पॉइंट। फिर नेक्स्ट ग्रेड जो है बी प्लस, अब बी प्लस में आपको मिल जाते हैं 61 से लेके 70 मार्क्स, और इनका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7। फिर आता है बी, बी में आपको मिल जाते हैं 51 से 60 तक, और इसके बाद इसमें आपको पॉइंट मिल जाता है 6। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हुई। अभी और भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं हम आपको और ग्रेड सिस्टम बताते हैं। तो ये हुआ बी तक। अब आ जाते हैं हम सी पर। तो यहाँ पे आपको मिल गया सी ग्रेड अगर, तो इसका नंबर हो जाएगा 41 से लेके 50 तक, और इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। फिर आता है सी के बाद पी। पी का मतलब है आप हैं इसमें पास। तो पास वाला जो है क्राइटेरिया वो क्या है, 33 से लेके 40 के बीच, और इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4। फिर आता है एफ। एफ में क्या है, ये फेल। पी वाला ये जो था पास है, लेकिन एफ जो लिखा हुआ वो फेल। इसमें आपको मिलते हैं मार्क्स 0 से 32 तक। तो ये आपको मार्क्स मिल गए, और इसमें जो आपका पॉइंट आता है वो आता है 0। फिर आता है ए बी, इसका मतलब होता है एब्सेंट। फिर आता है क्यू, इसका मतलब क्वालिफाइड। फिर आता है एन क्यू, इसका मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड। तो ये इतनी चीज़ें आती हैं इसमें। तो अब एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे एफ वाला जो है, ये एफ वाला जो ये एफ बना हुआ है, इसको आपको समझना है कि जो एफ है किस तरह से है, किन के लिए है। तो एफ जो है, जैसे आप किसी सब्जेक्ट में इतने नंबर लाए हैं तो वहाँ पे आपको एफ मिलेगा। ठीक है, अब एफ मिल गया, आप कह रहे हैं कि भाई मेरा ज़्यादा नंबर था, कैसे 32 सॉरी वहाँ कैसे 0 शो कर रहा है, कैसे 0 शो कर रहा है। तो 0 शो करने का रीज़न ये है कि अगर आपका 32 नंबर है, 0 से लेकर 32, तो वहाँ 0 ही शो करेगा, और इससे ज़्यादा हो रहा 32 से तो आपको वहाँ 33 जो अगर आ रहा है तो वहाँ पे आपका ग्रेड 4 हो जाएगा, इसका मतलब आप वहाँ पे उस ग्रेड में पास हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। तो अब फिर आता है इसमें कि जैसे जो लोग एब्सेंट हो गए वो लोग क्या करें। एब्सेंट वाले लोग कुछ नहीं करना है उनको, अगर पहले रिज़ल्ट का वेट करना है, रिज़ल्ट चेंज होने वाला है, बहुत सारी न्यूज़ हमें मिली हैं, और यहाँ तक कि कॉलेज से भी पता चला कि रिज़ल्ट बदलने वाले हैं। तो जैसे रिज़ल्ट बदल जाता है तो ठीक, अगर नहीं बदलता तो क्या करना होगा, पहले आपको वेट कर लेना है, उम्मीद पूरी है रिज़ल्ट बदलेगा, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी अपने रिज़ल्ट को बदले हैं, क्योंकि उनके भी स्टूडेंट बहुत सारे फेल हो गए थे, और फेल किस बेस पे हुए हैं, रिज़ल्ट क्यों बदला जाएगा और कैसे बदला जाएगा, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, 33 में कोई फेरबदल नहीं हुआ, वो 33 है। ठीक है, 33 ये क्या आपका पासिंग परसेंटेज है।
ये आपका पासिंग परसेंटेज है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो आपको मार्क्स किस तरह से मिले हैं? आपको मार्क्स दो इसकी दो कैटेगरी बनाई गई थी, एक बनाई गई थी 25 और दूसरी बनाई गई थी 75। ये वाला जो 25 वाला था ये देने वाला था कॉलेज, और 75 वाला था यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें आपको लाने थे 25 में से कितने भी नंबर लाइए, आप इसमें फेल नहीं थे। अगर आपका ज़ीरो आ रहा है तो भी आप फेल नहीं हैं। और जो 75 वाला है इसमें क्या करना है, आपको हर हाल में 25 लाना है। अगर 25 से कम आता है तो आप फेल हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का 25 से कम है, इसलिए वो लोग फेल, और किसी के रिजल्ट पे फेल नहीं लिखा, सब पे प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग प्रमोट करके सेकेंड ईयर में आ गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट कभी फेल नहीं होंगे, उन्हें हर हाल में प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया जाएगा। और इसी तरह से उन्हें फिर अगर वो अपने 50% पेपर को पास कर लेते हैं तो उन्हें थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में फिर उनका मार्क्स देखे जाएंगे तो उसमें नंबर कम होगा तो वो फिर वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो आप दो सेमेस्टर तो पास हो सकते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आपने 50% पास नहीं किया, अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के 50% पेपर, 50% मार्क्स नहीं 50% पेपर आपको लाना है 33% उसमें, यानी कि अगर आपने 50% पेपर पास कर लिए मेजर और माइनर मिला के, ठीक है, ये मेजर के पेपर हो गए और माइनर के पेपर हो गए, ये दोनों मिला के आपने 50% जो था उसको पास कर लिया, 50% पेपर को पास कर लिया है, तो इसमें का मतलब आप पास हो गए, आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को नहीं पास कर पाते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। फिलहाल तो ये रिपोर्ट है, और अदर यूनिवर्सिटी में यही सारी चीज़ें हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किस तरह से रिजल्ट चेंज करने का प्रस्ताव दिया है, वहाँ के वाइस चांसलर ने किस तरह की चीज़ें बताई हैं, तो वो चीज़ समझ लेते हैं, फिर बताते हैं आपको अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है और फिर भी आपका एबसेंट शो करता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, जैसे कि जो आपके मेजर हैं ये, सॉरी मेजर माइनर नहीं, जैसे आपके कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के, जैसे आपके कॉलेज के मिले हैं 25 और यूनिवर्सिटी के हैं 75, तो उसने क्या किया इन दोनों को, जैसे आपको 25 में से 25 मिला है और इसमें मिल गया 10, तो इसको क्या कर दिया, मिला के 35, यानी कि आप पास हो गए। लेकिन पहले क्या था, अगर आप यहाँ पे पा रहे हैं 25 और यहाँ पे पा रहे हैं 10 तो आप यहाँ पे फेल थे, आपका 35 था लेकिन फिर भी फेल थे। क्यों फेल थे, क्योंकि 75 वाला ये जो है इसमें 25 लाना ही था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट 25 नंबर ये नहीं ला पाए जिसकी वजह से फेल हुए। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, जो ये वाले मार्क्स थे इसको दोनों को ऐड कर दिया। अब ये जब दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। इस बेसिस पे उन्होंने कहा है कि इस तरह से अब रिज़ल्ट बनेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट इस तरह से बन सकते हैं तो उम्मीद ये पूरी है कि पूर्वांचल के भी रिज़ल्ट इसी तरह के बनेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है, जैसे ही न्यूज़ आती है जैसे ही हमें कंफर्म होगा हम बता देंगे। ये हमें पता चला है कुछ सोर्स से कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, और ये वाइस चांसलर ने ही कहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो इस बेसिस पे वो लोग पूर्वांचल वाले बनाएंगे, उनका ये बताना था, ठीक है। अब आते हैं बात एबसेंट की। अगर एबसेंट आपका शो कर रहा है, रिज़ल्ट चेंज हो रहा है, रिज़ल्ट चेंज होने के बाद भी आपका एबसेंट शो कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको कॉलेज जाके एग्ज़ामिनेशन ऑफिस जो है वहाँ जाना है। एग्ज़ामिनेशन ऑफिस में जाके आपको वहाँ कोई भी रहे उनसे आपने जो अटेंडेंस लगी होगी तो वो शीट लेनी है, अटेंडेंस शीट लेनी है, ठीक। फिर उसकी अटेंडेंस शीट की यानी कि कॉपी देंगे, वो ओरिजिनल देंगे नहीं, तो आपको उसकी कॉपी लेनी है प्लस अपनी मार्कशीट लेनी है, मार्कशीट की कॉपी जो नेट वाली है, और एक एप्लीकेशन लिखना है यूनिवर्सिटी को, एक एप्लीकेशन लिखना है यूनिवर्सिटी को, इतनी चीज़ लेनी है। इस एप्लीकेशन पे क्या होगा, प्रिंसिपल की सिग्नेचर होगी, ठीक, प्रिंसिपल की सिग्नेचर होगी और स्टैंप लगेगा। फिर इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को आप लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी ले जाइए, वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो सही हो जाएगा। कब तक सही होगा ये कंफर्म नहीं है, बट सही कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे किस तरह से पास किया जाएगा। तो पास यही है कि आपका अगर दोनों सेमेस्टर मिला के 50% पेपर पास होता है तो आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, अगर उससे कम होता है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और जो मार्किंग सिस्टम थे वो भी हमने बता दिए हैं कि 75 में से आपको कितने लाने थे, 75 में से हर हाल में आपको लाने थे 25, तो ये नहीं आया। 25 में से आप कितने भी लाएं उससे कोई मतलब नहीं था। तो अब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, 25 प्लस 10 मिला दिया जाएगा, अब उम्मीद पूरी है और आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।